संगीत की तरफ रुचि मुझे लगता है कि बचपन से ही, मुझे भी याद नहीं, लेकिन 4-5-6 साल के थे तब हमने कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया था और गंभीरता से संगीत को हमने 8-9 साल की उम्र से लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले किस गुरुजी के पास गए? हाँ, हम उज्जैन में थे और हमारा सौभाग्य था कि वहाँ पर हम माधव संगीत महाविद्यालय में सीखते थे, तो स्कूल में जो गुरुजी थे हमारे, पंडित रमाकांत दुबे, पंडित प्रमोद शास्त्री और माने साहब थे, उसके अलावा मास्टर रामनारायण जीणा थे उज्जैन में, जिनसे हम अलग से जाके सीखते थे। वो बहुत ही अच्छे गायक और गुरु दोनों थे, तो इन सब ने एक हमारी बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की ध्रुपद शैली में आने के पूर्व। तो ये ध्रुपद की जमीन कैसे तैयार हुई? जब सीख रहे होंगे तो ख्याल गायकी से ही सीखने की एक शुरुआत हुई होगी। जी, हम सीखते थे तो वो इन जनरल जो ख्याल या ख्याल ध्रुपद से भी सीखते थे, तो लेकिन ध्रुपद की पृष्ठभूमि इस तरह बनी कि हम लोग 81 में जब ये भोपाल में ध्रुपद केंद्र खुला सरकारी स्कीम के तहत, तो वहाँ हमें अवसर मिला कि हम आएँ और ध्रुपद सीखें। वहाँ हमारे उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर साहब और उस्ताद ज़िया मोहिउद्दीन डागर साहब, उनसे हमने फिर सीखना शुरू किया। सीखना क्या ज़्यादा कठिन है? कठिन तो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये चूँकि ये हमारे संगीत की ग्रामर है और उसका बेस है एवरीथिंग, तो बेस को सीखने में मनोयोग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कठिन नहीं कहूँगा मैं, कठिन है नहीं, क्योंकि कठिन होता तो हम भी 4 साल में इस तरह स्टेज पे नहीं गा पाते, या हमारे कई विद्यार्थी हैं जो अभी 4 साल की शिक्षा के बाद स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मनोयोग की ज़रूरत होती है, कठिन तो नहीं है। ये संगीत का सफर कितना संघर्षपूर्ण रहा, सहज रहा, कैसा रहा? संघर्षपूर्ण शुरू शुरू में रहा, और वो तो मैं सोचता हूँ कि किसी भी अच्छे कार्य के साथ वो तो शुभ माना जाता है, तो इसको संघर्ष नहीं मानूंगा मैं, ये तो उसकी प्रक्रिया है और उसे महिमा मंडित करना ठीक नहीं है, बस जो भी हुआ अच्छा हुआ। अभी फिलहाल शास्त्रीय गायन का ही अस्तित्व भारत में संकट में, ऐसे में ध्रुपद कहाँ नजर आता है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ध्रुपद, और शास्त्रीय संगीत का अस्तित्व आज नहीं अगले 1000 साल तक संकट में नहीं है। अस्तित्व की जहाँ तक बात है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लोग कर रहे हैं, सुनने वाले कर रहे हैं, करने वाले बढ़ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है। जो हिंदी फिल्म संगीत है उससे क्यों तुलना करें? उससे क्यों तो हुआ है? नहीं, शास्त्रीय गायन क्या उससे प्रभावित हुआ है? नहीं, क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि फिल्मी संगीत रागों से प्रभावित होते हैं और वो जब भी ऐसा होता है तो उसको फायदा ही होता है फिल्मी संगीत को, और वो जब जब भी राग संगीत से दूर गया है उसमें घटियापन आया है, तो ऐसा नहीं है फायदा तो। और हम एक बार हमेशा बोलते हैं, ये अभी भी बोलेंगे, कि शास्त्रीय संगीत ध्रुपद संगीत का फिल्मी संगीत से कोई कंपटीशन नहीं है। श्रोताओं की संख्या में या श्रोताओं के रुझान में कुछ फर्क नजर आता है कि पहले बहुत ज्यादा जानकार श्रोतागण मिलते थे और आज वैसे श्रोता नहीं? जानकार श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है आज। ये बात भी ज़रूरी है कि ये बात भी हो सकता है सही है कि जो दिखावा करने के लिए सुनते हैं उनकी संख्या ही बढ़ रही है, लेकिन वही धीरे धीरे जानकार हो जाते हैं फिर आगे जाके, तो ऐसा नहीं है कि जानकार श्रोता, चूँकि एक्सपोजर ज़्यादा है आज,
आप दुनिया के किसी बड़े संगीतकार को आप घर में बैठे सुन सकते हैं, इतनी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो एक्सपोजर बड़ा है, लोग कंपेरेटिवली तुलना करके समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वालिटी इज़ इम्प्रूविंग। हाँ, ये बात ज़रूरी है, ज़रूर है कि पहले के ज़माने में थोड़ी शांति थी और कैरियर की जल्दी नहीं थी लोगों को, 30-35 तक भी कैरियर बन जाए तो कोई बात, चल रहा है। अब सोशोलॉजी बदल गई है, 22 साल में तो लोग रिटायर हो रहे हैं आजकल, 23 साल में विश्व में खिलाड़ी लोग, तो लोग सोचते हैं कि हमारे फिल्मों में 17-18 साल के हीरो आ जाते हैं, 16 साल की हीरोइन आती है, तो वो सोचते हैं हम क्यों ना कर लें कुछ। तो ये एक समस्या है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं आजकल, लेकिन इससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि लोगों में डेडिकेशन की कमी है। कमी है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मैच्योर हो जाते हैं वो भी। गुरु जी, अभी अभी आपके अनुज से चर्चा हो रही थी हमारी, और उन्होंने कहा कि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, और बचपन में गुनगुना दे देकर पिताजी ने बहुत प्रमोट किया उसको जी। तो आप दोनों भाई साथ गाते हैं, तो क्या सीखने का सिलसिला भी एक साथ ही शुरू हुआ? जी, वो इवन सीखने से पहले जो कायदे से हम लोगों ने म्यूज़िक कॉलेज में जाके जो सीखा, इवन उसके भी पहले हम लोग घर में भी साथ में गाते थे। तो कुछ भी भजन है या फिल्मी गाना है या जो भी होते थे वो सब साथ में हम लोग करते थे। तो पिताजी ने ये सोचा कि इन लोगों की आवाज़ अच्छी है और कुछ कर सकने की उम्मीद है, तो उन्होंने हमको फिर फॉर्मल ट्रेनिंग, क्लासिकल म्यूज़िक की फॉर्मल ट्रेनिंग हमको दिलवाना शुरू किया। और फिर जैसे जैसे हम उस समय हम लोग 8-10 साल के रहे होंगे, 8-9 साल की उम्र हमारी रही होगी। फिर तो सीखना हो ही रहा है अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, हमने फिर हमको माधव म्यूज़िक महाविद्यालय उज्जैन में जो था वहाँ पर भर्ती कर दिया पिताजी ने फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए, कि भाई इनको शास्त्रीय संगीत की तालीम होना ज़रूरी है, क्योंकि ये गा रहे हैं तो इनको शास्त्रीय संगीत की मालूमात होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने भर्ती कर दिया। फिर धीरे धीरे वो जो म्यूज़िक स्कूल में जो भर्ती किया उन्होंने, तो वहाँ पर तो वो फिर BA भी हो गया, MA भी हो गया, और वो जो कोर्स चलता है ना कॉलेज में, तो कोर्स हम करते चले गए। जैसे जैसे हम कोर्स करते चले गए तो हमको फिर पता चला कि अरे संगीत तो ये बड़ी गहन चीज़ है, और वहीं हमको ध्रुपद का एक्सपोजर भी हुआ। तो ध्रुपद फिर हमने सोचा कि इसको सीरियसली सीखना चाहिए, और करते करते ही हमने तय किया कि म्यूज़िक को ही हम अपना करियर बनाएंगे। तो ये सब बातें धीरे 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 जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे तय होती गई। फिर म्यूज़िक को करियर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे हमने ये सोचा कि नहीं ध्रुपद को अपना करियर बनाएंगे। तो फिर हमने उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद ज़िया मोहिउद्दीन डागर से फिर तालीम लेना शुरू किया। उसके लिए हमको MP गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, हम लोगों ने उसे सीखा गुरु शिष्य परम्परा में, और फिर वो बात बनती गई। देखिए, ध्रुपद तो सबसे प्राचीन गायकी है। आज अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, भारतीय संगीत की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पुराना तो ध्रुपद ही है। ये तो ये सबसे पुराना ध्रुपद है, क्योंकि जब हम हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि ये वेदों से निकला हुआ है। वेदों से क्या निकला? ध्रुपद निकला। इसकी बहुत लंबी यात्रा है। तो ये इतना प्राचीन है कि जो हमारे वेदों की जो चैंटिंग होती थी वहाँ से इसका उद्गम माना गया है। सामवेद इसका उत्पत्ति का सोर्स है।
अब रह गया सवाल ये कि ये जो आज जो संगीत है, जो भी संगीत है, उपलब्ध संगीत है, ख्याल है या ठुमरी है या और भी जो अन्य शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत, ये सारी ध्रुपद से पैदा हुई हुई चीज़ें हैं। और इसलिए चूंकि ये मंदिरों में था तो इसका जो रुझान है वो आध्यात्मिक है, इसका जो रुझान है वो एक गंभीर किस्म का रुझान है, जबकि दूसरी जो विधाएं हैं, ख्याल है या वो थोड़ा रोमांटिक है, उसकी क्रियाएं, गाने की क्रियाएं अलग हैं। तो उस वजह से उसका जो जो दर्शन है या जो अध्यात्म है वो अलग हो जाता है ध्रुपद से। दर्शन पक्ष की ही हम बात करेंगे कि तकनीकी तौर पर अगर ध्यान दें, अभी मैंने देखा आप जब रियाज करवा रहे थे जी, तो आपने एक बहुत ही रेखांकित करने योग्य बात कही कि जो सरगम है स्टार्टिंग में आप सरगम से ही रियाज करें, लेकिन जब ओरिजिनली करेंगे तो इसके आलाप जो है वो लोम तोम, हाँ, इससे जी जी इसके पीछे देखिए, जो हम लोग जो सिलेबल्स का उपयोग करते हैं, आ र न न ते त र न री रे र न, ये गायकी में जब हम आलाप करते हैं, जब किसी राग का हम विस्तार करते हैं तो वो आलाप के जरिए करते हैं, और आलाप में हम इन सिलेबल्स का यूज़ करते हैं, आ र न न ते त र न री रे र न नूम र न न। तो ये जो जो सिलेबल्स हैं ये अलग अलग भावों को, राग के भाव के हिसाब से उनका उपयोग हम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सिलेबल्स हैं ये आकार, इकार, ओंकार, इन सबों को समेटते हुए हम जब राग का आलाप करते हैं तो उसमें आकार भी आता है, इकार भी आता है, ओंकार भी आता है। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि आकार इकार पर ध्यान दीजिए, तो ये जो सिलेबल्स हैं ये आकार इकार और ओंकार को मतलब साधने की प्रक्रिया है। और हम लोग इन सिलेबस का उपयोग करते हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि ये हरिओम अनंत नारायण तू ही तरण तारण, तो हम उससे ये सिलेबस आए। जी अंतरा, जी अदारंग सदारंग जी 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 बंदेश है जी, और पद रचे, क्या ध्रुपद में इन बंदिशों से कहीं ज्यादा ध्वनि और सुर का महत्व है? देखिए सुर तो सुर की जो गंभीरता है, सुर का जो लगाव और एक्यूरेट सुर की जो पोजीशन है राग के हिसाब से, वो तो ध्रुपद में ही ज़्यादा परिलक्षित है, वो तालीम उसी ढंग से ध्रुपद में दी जाती है, ख़ास तौर से डागर घराने में, कि हर राग का जो अपना एक स्वर स्थान है, राग का जो चलन है, राग का जो मूड है, और उस राग के हिसाब से जो स्वर स्थान है वो लगना चाहिए। तो ये जो एक स्वर स्थान की बात है, स्वर रागदारी की जो बात है, वो ध्रुपद में आपको ज़्यादा परिलक्षित होगी, चूँकि क्रियाएं अलग हैं ध्रुपद की और ख्याल की, क्रियाएं अलग हैं। देखिए उसमें खटका, मुरकी, जमजमा और गमक तो ध्रुपद की चीज़ है, लेकिन ये खटका मुरकी जो जो कि जिसको कहेंगे थोड़ा सा गति वाली चीज़ें हैं वो ख्याल में ज़्यादा है, जबकि ध्रुपद में हम देखेंगे कि ठहराव की चीज़ें ज़्यादा है। आलाप में जब हम राग पर, राग को जब हम विस्तारित करते हैं तो आलाप में हम एक सुर पर ठहर करके उसकी गंभीरता को दर्शाते हैं, उस स्वर में कि जो जो स्वर को जब हम लगाते हैं एक सुर पर रुक करके, तो वो जो एक गंभीर वातावरण जो सामने आता है राग का, वो ख्याल में आप देखेंगे कि थोड़ा चंचल प्रकृति का हो जाता है। तो आप ही की बातों से मैं अगर इसका ये निष्कर्ष निकालूं कि ध्रुपद गायकी में कोई भी राग गहन और विस्तारित होता है, गहन हाँ विस्तारित, हाँ, जबकि ख्याल गायकी में गत्यात्मकता ज्यादा, गत्यात्मकता ज्यादा है, रंजकता रोमांटिसिज्म हम कहेंगे, हाँ। और ध्रुपद में ये कि आध्यात्म से
उससे संबंधित संदेश जो उसके स्थायी अंतरा संबंधी पद होते हैं उसमें आध्यात्मिक संदेश ज्यादा होंगे, जबकि छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल इस बाध्यता से बंधी हुई नहीं है, उसमें श्रृंगारिक रचनाएं भी मिलती हैं, भक्ति रचनाएं भी मिलती हैं। श्रृंगारिक रचनाएं ध्रुपद में भी हैं जो बाद में जुड़ी, जब क्योंकि ये तो मंदिरों से निकला हुआ गाना है, तो जब हम पुरानी प्राचीन बंदिशें देखेंगे तो वो देवी देवताओं की स्तुतियाँ ही ज़्यादा हैं, क्योंकि मंदिरों से जुड़ा हुआ गाना था। फिर बाद में जब ये दरबारों में आया तो उसमें श्रृंगारिकता भी जुड़ गई, लेकिन जो मूल गाना जो मंदिरों वाला था उसमें तो आध्यात्मिकता और देवी देवताओं की स्तुतियाँ ही ज़्यादा थी। आजकल के बच्चे अगर ध्रुपद गायकी को व्यवसाय के तौर पर, मतलब आजकल आपने देखा होगा कि पहले खेल पैशन हुआ करता था या जर्नलिज्म पैशन हुआ करता था, संगीत पैशन है, उसको कोई भी व्यवसाय से नहीं जोड़ता है। आज पेरेंट्स भी, अभिभावक भी, बच्चे भी ये सोच रहे हैं किसी फील्ड में जाने से पहले कि क्या इसमें रोजी मिलेगी। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल सही सवाल किया आपने, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हर विधा के साथ जुड़ा हुआ है कि आज का बच्चा किसी भी विधा में जाता है, उस जिस विधा को चूज़ करता है, चाहे वो संगीत हो या खेल हो या साइंस हो या पढ़ाना हो, कुछ भी, कोई भी फील्ड हो, उसको जब चूज़ करता है तो सबसे पहले उसमें प्रॉस्पेरिटी देखता है कि मैं इसमें इस विषय को चुन रहा हूँ, अपनी जीविका आजीविका इसमें मेरी कैसी रहेगी, क्या मैं दूसरी चीज़ों से कॉम्पीट कर पाऊँगा, दूसरे विधा के लोग के पास तो कार होगी, बंगला होगा, तो क्या मेरे पास होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, अगर आपको वही सब कुछ देखना है कि कार और बंगला और ऐशो आराम और वो सब, तो भाई तुम दूसरा कुछ फील्ड चुन लो, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, उद्योग धंधा है या नौकरी है, अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, या कि खेल है या कुछ भी है। गाना बजाना अगर करना है तो थोड़ा सा आपको सम्मान ज़्यादा मिलेगा, आपको सम्मान तो मिलेगा, अगर आपने एक इसमें इस विधा में मेहनत की तो आपको सम्मान तो ज़रूर मिलेगा, आपके पास वो चीज़ें भी रहेंगी शायद, लेकिन कंपेरेटिवली कम रहेंगी, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ये कला के साथ ये जोखिम तो है, कला के साथ ये जोखिम है कि वो कला में तो कहा गया है कि कभी घना ही घना, कभी चना और कभी वो भी मना, तो ये तो कला के साथ लगा हुआ है। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ एक अजीब सी विडंबना है कि यहाँ के संगीतकार या कोई भी, जब तक विदेश में जाकर के उनका नाम नहीं होता है तब तक ये देश में स्वीकार नहीं करता। जी है। जी, क्या बिल्कुल ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि दुखद स्थिति है, या थोड़ी सी चिंता की हमें चिंता होती है इस बात से कि हमारे देश के जो रसिक लोग हैं या आम जनता का जो मानस है वो कुछ इस तरीके का है कि जब तक वो कलाकार विदेश न घूमाए तब तक उसको उतनी स्वीकृति नहीं मिलती है जितनी कि वो हकदार है। ये एक थोड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं भाई, अच्छा कलाकार ही होता है, बुरा कलाकार बुरा कलाकार ही होता है, चाहे वो देश विदेश घूमे या ना घूमे। गुरु जी, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आप तो लोगों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक जानकार होने के नाते अपने अलावा ध्रुपद गायकी में किस और अन्य नाम को आप लेना चाहते हैं? काफ़ी लोग हैं, आजकल ये अच्छी चीज़ है कि काफ़ी लोग ध्रुपद कर रहे हैं, और हमारे घराने में भी पंडित ऋतिक सान्याल हैं, उदय भवालकर हैं, हम जो हमारे साथ सीखे हैं, निर्माल लिडे हैं, वासिफुद्दीन डागर हैं, सैदुद्दीन डागर हैं, और बिहार शैली में प्रेम कुमार मलिक है, राम कुमार मलिक है, उनके बेटे हैं, उधर प्रशांत अपना एक बेतिया घराने में पारे गाते हैं,
इंद्र किशोर मिश्र हैं और हमारे कई शागिर्द हैं। हाँ, और हमारे जो शागिर्द हैं इन सबसे बढ़ के हमारे शागिर्द कम से कम 10 लोग हैं जो वो भी गा रहे हैं और अच्छे तरीके से। है अमिता है, आस्था है, रूपाली है, संजीव है, मनीष है, मनोज है, और भी कमलेश है, कमलेश है, कई लोग हैं। बिल्कुल, बहुत पुख्ता जमीन है, क्योंकि कमी बहुत अच्छे गायकों की अभी भी कमी है। कमी मतलब कमी अच्छे गायकों मतलब अच्छे कामों सॉरी ज़रूरत है। तो अभी पूरे देश में जो ख्याल गायकों का रेशो अगर देखेंगे तो हिसाब से ध्रुपद गायक बहुत कम है। तो अभी अच्छे गायकों की और ज़रूरत है। सीखने के लिहाज से जैसे आप लोगों ने सीखा होगा, जितने घंटे दिए होंगे रियाज में जी, और आजकल के बच्चे जितने तैयार कर रहे हैं, जितने आप सिखा रहे हैं जी, तो दोनों के मनोवृत्तियों में क्या फर्क पाते हैं? काय के मनोवृत्तियों में मनोवृत्ति मनोवृत्ति सीखने की अलग है, अच्छा सीख रहे हैं। अब ये होता है कि हमसे उनकी तुलना करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि हमारा 20-25-30 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ है, ललक है, सीखने की ललक है, अभी उतनी ही ललक है लोगों में। नहीं, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो हम आज की पीढ़ी को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं कि अरे उतनी ललक नहीं है या वो डेडिकेशन नहीं है, नहीं, आज के बच्चे ज़्यादा समझदार क्योंकि उनको एक्सपोजर बहुत है और ज़्यादा वो तेज़ हैं दिमाग से। पिछली पीढ़ी की अपेक्षा आप देखेंगे कि जो नई जनरेशन आ रही है वो दिमाग से ज़्यादा तेज़ है, तो करने में उनको उस तेज़ दिमाग का ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि और जितने हमारे पास बच्चे हैं सब फुल टाइम ध्रुपद करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये गुरुकुल हमने बनाया है, यहाँ पर 25-30 विद्यार्थी रह रहे हैं, हॉस्टल है, ये सब दिमाग से भी तेज़ हैं और बाकायदा ये इनको ध्रुपद ही करना है ज़िंदगी में, इसी इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर सीख रहे हैं। कि जब दो सिंगर गाते हैं जी, साथ में तबले की संगत जी, तो ऐसे में समन्वय बनाना, समन्वय बनाना, देखिए देखिए वो प्रैक्टिस से होता है, उठाना है किसको, इस वक्त चुप रहना है किसको, इस वक्त खड़ा बोलना है किसको, इस वक्त पॉज देनी है, और कौन इस वक्त, तो इसका संबंध तो रियाज से है ना। ये कैसे हो, इसका संबंध रियाज से, प्रैक्टिस से, अंडरस्टैंडिंग से, समझने से है, साथ में रहने से है। ये जो कि गाना हम लोग जब जुगलबंदी में गाते हैं तो जुगलबंदी में सबसे बड़ी चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, कि दो भाई या दो कलाकार जब साथ में गाते बजाते हैं तो अगर गाना बजाना वाकई में बहुत अच्छा करना है या उसको एक अच्छा दर्जा देना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपसी अंडरस्टैंडिंग। अगर वो आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर गाना बजाना कायदे का या अच्छा नहीं हो सकता, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो गाना बजाना बहुत अच्छे किस्म का होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग चूँकि साथ में रहते हैं, साथ में उठना बैठना, साथ में ही रियाज करना, तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ऐसा मैं मानता हूँ, और उस वजह से जैसा भी गाना बजाना हम लोग करते हैं वो लोगों को पसंद आता है। नई पीढ़ी के लिए मैसेज हमारा यही है, खास करके संगीत की नई जो पीढ़ी है, कि सुरों पे ध्यान दीजिए, राग पे ध्यान दीजिए, और आप चाहे किसी भी तरह का संगीत करें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक करें, फिल्मी संगीत करें, रॉक करें, पॉप करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुर को मत छोड़िए। बस यही है कि अच्छी मेहनत, आप किसी भी फील्ड में अच्छी मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी।